अब मैं चाहता हूँ कि अब तक इस मुशायरे को धीरे धीरे बामे उरूस तक पहुँचा रहे थे जनाबे असर फरीदी साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने चंद अशआर हम सामईन को इनायत करें। जनाबे एक मरतबा जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। हजरत, असल ये चलन ऐसा हो गया है कि सिर्फ 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 ब्रांडेड गंजी और ब्रांडेड शर्ट हम पहनेंगे, ऑफिस के लोकल भी कुछ ही कपड़े अच्छे होते हैं, अशार भी अच्छे निकलते हैं यार, उनको भी कम से कम सुनना है और उनके भी अशार पे आपको दाद देनी है। हजरत तभी हमें नईम बुरहानपुरी साहब को सुनना है और उस्ताद बहुत जल्दी बुला रहे हैं और अगर इजाजत दे तो दो तीन शेर मैं भी पढ़ दूं, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दो तीन शेर ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जब नईम साहब को हम लोगों ने बुलाया है तो जरूर आप लोगों को सुना करके जाएंगे, बस दो चार शोरा रह गए हैं उनको सुन लें, उसके बाद नईम साहब को मैं आवाज दूंगा। हजरत के सिर्फ दो तीन शेर मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपकी समाज को गिरा गुजरेगा तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं दावा करता हूं कि मैं अच्छी आचार पेश कर रहा हूं और आपकी समाज को पसंद आएगा। मैं शेर समझ फरमाइए, मतला अर्ज किया है कि अपने माजी की शान हो जाओ, अपने माजी की शान हो जाओ, तुम बिलाली अजान हो जाओ, अपने माजी की शान हो जाओ, तुम बिलाली अजान हो जाओ, और चाहते हो कि हम रहे दिल में खुशबुओं की जबान हो जाओ। वाह वाह वाह। चाहते हो कि हम रहे दिल में खुशबुओं की जबान हो जाओ, और सब मरवत में छोड़ देते हैं इतना मत बस जुबान हो जाओ। वाह वाह वाह। सब मरवत में छोड़ देते हैं, इससे अच्छा शेर कोई शायर नहीं पढ़ सकता, मेरा दावा है। हम शेर सुना रहे, सुनिए दो तीन शेर सुन लीजिए, मेरा दावा है कि इससे अच्छा शेर कोई नहीं पढ़ सकता, हम सुना रहे हैं आपको शेर, और आपने ये कसम खा ली है कि हमको शेर सुनना है तो दो तीन शेर शायर सुनना, उसके बाद नहीं सुनना है तो मैं उन्हीं लोगों को आवाज दूंगा। दो शेर आप सुनिए, और जब तक के आप दो शेर आप नहीं सुनेंगे हमारे, मैं किसी शायर को मैं बुलाने नहीं जा रहा हूं, वो दो तीन शेर आप सुन लीजिए कि पान पैगाम है मोहब्बत का, पान पैगाम है मोहब्बत का, हम वतन पानदान हो जाओ, पान पैगाम है मोहब्बत का, हम वतन पानदान हो जाओ, और शेर समाज फरमाइए, मतलब दो तीन शेर समाज फरमाइए कि हम मोहब्बतों की जो खाक उड़ा रहे हैं हमारे मजार की, मैं टांग चीर दूंगा नसीमे बहार की। शेर सुनिए, सुशील साहिल को बुलाइए, सुशील साहिल साहब को बुलाइए। मैं कम से कम आप हजरात को ये जानना है कि आपको मेहमान नवाजी का सबूत भी पेश करना है, जो लोग बाहर से मेहमान हमारे आए हैं उन्हें तो सुनना है आपको, आप दो ही शेर सुनिए, मगर कम से कम दो शेर अगर सुन लीजिएगा